बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हफीज़, तारिक हफीज़ फ्रॉम THK डेवलपर्स की तरफ से। THK सॉफ्टवेयर में आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है CS201 की असाइनमेंट नंबर 2। उसके साथ ही एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है और मेरी वीडियोज़ को अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करना है, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, G+ और जो दूसरी वेबसाइट है उन पर, जिन पे भी आपका अकाउंट है उन पे शेयर करना है। जिन लोगों ने पेजेस और ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन्होंने उन पे भी शेयर करना है। और एक के बाद और भी आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने जो हमारा ग्रुप है THK साफ जून का, उसको आपने ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों को उसके अंदर एड मेम्बर भी करना है, ताकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा बन जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके अपने दोस्तों से, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। और उसके साथ मैं उन ग्रुप मेंबर से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने सिर्फ वही मटेरियल शेयर करना है जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और बाकी जो मटेरियल है वो आप लोगों ने उसमें शेयर नहीं करना। उसके साथ अगर हम देखें कि जो हमें असाइनमेंट मिली हुई है, क्योंकि मैं पहले इसको बना नहीं सका, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियात भी ज़्यादा हैं, तो और साथ ही मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है जावा के अंदर है, जो फाइनल प्रोजेक्ट है जो मैंने जनवरी में जमा कराना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको टाइम पे कंप्लीट कर लूँगा। तो हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। पहले तो सर ने हमें एक ड्यू डेट बताई हुई है कि ड्यू डेट कौन सी है, ठीक है। ये वन, ठीक है। उसके साथ सर ने नंबर भी बता दिए, असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर, इनको हम छोड़ देते हैं, इनको हम नहीं देखते। उसके बाद सर कहते हैं कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अलाउड टू डेवलप असाइनमेंट, ये वाली बात आप गौर से सर की नोट कर लें, ठीक है। तो सर ने इसलिए बताया कि आप लोगों ने सिर्फ यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सा है, वो है DevC++। यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, कैसे करना है, कौन सा सेटअप यूज़ करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो DevC++ पे है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, और उसको इंस्टॉल कैसे करना है ये भी देख सकते हो। तो उसके साथ हम आगे चलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है, टू अनेबल स्टूडेंट टू राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन DevC++, मूव ओवर टू फैमिलियर स्टूडेंट विद द कंसेप्ट ऑफ एरे। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एरे की बात हो रही है, इनकी ये वाली असाइनमेंट हमारी क्या है, एरे के बारे में, ठीक है। उन्होंने इसके अंदर हमें 3 टास्क दे दिए हैं, और वो क्या है, नंबर 1 है जो एरे मैनिपुलेशन है, 1 मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 एरे पासिंग टू फंक्शन, और एरे के अंदर हमने फंक्शन पास कराना है, ठीक है। और हमें 3rd जो टास्क दिया गया है वो है सॉर्टिंग ऑफ एरे बबल सॉर्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ये बात इस बात पे गौर करें तो कुछ समझ आएगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप लोग को जो सोल्यूशन दिया जाता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को तकरीबन 80% सोल्यूशन दिया जाता है, और 20% सोल्यूशन आपने लॉजिक से बनाना होता है, यानी कि 80% हमें सोल्यूशन के अंदर ही दे दिया जाता है, और 20% हमने खुद कोड राइट करते हैं उस वक्त, तो उसमें बनाना करना होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने ये हमें बता दिया कि एरे बनानी है, उसके बाद पासिंग फंक्शन कराने हैं, सॉर्टिंग ऑफ एरे बबल सॉर्ट करानी है, ये चीज़ें सर ने हमें बता दी हैं। उसके बाद सर कहते हैं असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू सबमिट ओनली .cpp फाइल इन आर असाइनमेंट इंटरफेस ऑफ CS201, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना कोड तो राइट करते हैं डेव के अंदर, और उसके बाद जब सबमिट करने की बारी आती है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, उसके अंदर कोड पेस्ट कर देते हैं, वही सबमिट कर देते हैं। तो सर ने कहा अगर आपने ऐसा किया तो मैं आप लोगों की असाइनमेंट रिजेक्ट कर, असाइनमेंट सबमिटेड एनी अदर फॉर्मेट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड
एंड वेल बी ग्रेडेड 0 मार्क। कहते हैं अगर आप किसी और फॉर्म में सबमिट करोगे तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद असाइनमेंट के बारे में सारा फिर आ जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपने क्या करना है, फोकस करना है कि काम क्या हो रहा है। अब मेरी जो कोशिश होती है कि ये आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कि सोल्यूशन दे दो बल्कि उसके बारे में आपको बता दूं और आपके सामने वो कोड रन करके दिखाऊं, और जो प्रॉब्लम्स मेरे पास पेश आएंगी वही प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी पेश आएंगी, आप लोगों के साथ भी पेश आएंगी। ये नहीं है कि मैं कोड रन करके आपको ऐसे दिखा दूं और जो प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है मैं उनको स्किप करके या वीडियो में से काट के निकाल दूं और आप लोगों को एक क्लीन सोल्यूशन दिखा दूं। जब आप काम करने लगोगे तो आप लोगों को उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी जो मैंने वीडियो में से रिमूव कर दी थी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी कोडिंग करना सीख जाए। असाइनमेंट में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट दैट टेक्स इनपुट ऑफ 10 इंटीजर इनटू एन अरे। पहली बात तो आपने देख ली कि जो हमने इसके अंदर वेरिएबल बनाने हैं वो इंटीजर टाइप के बनाने हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू पास करा रहे हैं वो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करा रहे हैं। गिव टू ऑप्शन, उसके बाद सर कहते हैं कि आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में क्या है, कॉपी ओल्ड नंबर्स फ्रॉम द अरे। कहते हैं कॉपी अरे को करना है कहाँ से, अरे से टू आर न्यू अरे। ठीक है, उस कॉपी कहाँ पे करना है, न्यू अरे के अंदर कौन सी अरे है उसका ये देखिए, न्यू अरे ऑड्स अरे। ठीक है, एंड शॉर्ट ओड नंबर ओड अरे में। ठीक है, अरे इन असेंडिंग, ये असेंडिंग के लिए ऑप्शन नंबर 1। असेंडिंग का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग का नंबर मतलब क्या होता है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। असेंडिंग का मकसद ये है, ये यानी कि ऊपर से नीचे, और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है मैं इधर से दिखा देता हूँ, नीचे से ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं ये आपको टाइप करके बताता हूँ असेंडिंग का क्या मतलब है, 1 2 3 4 एंड 5। और डिसेंडिंग का क्या मतलब होगा, 1 2 3 4 एंड 5। अगर इन दोनों मेथड के अंदर आप देखें तो एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि एक नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक तरतीब से आ रहा है। अगर इसमें देखें डिसेंडिंग वाले मेथड में तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 4 5 4 3 2 1। ठीक है, ये चीज़ें असेंडिंग और डिसेंडिंग का ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा यहाँ पे करा रहे हैं ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिस तरह 3 1 3 5 7 9 इस तरह, और इवन कौन से होते हैं 2 4 6 8 इस तरह के नंबर जो भी होंगे वो जो है इवन नंबर होंगे। ठीक है, जब 2 नंबर प्रेस करेंगे तो ये वाला काम होगा। ठीक है, 2 प्रेस 2 कॉपी इवन नंबर फ्रॉम द अरे टू और न्यू अरे न्यू इवन अरे। ठीक है, एंड शॉर्ट इवन अरे, अरे असेंडिंग ऑर्डर, हमें दोनों असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए क्योंकि अगर 1 प्रेस करेंगे तो ओड मिलेगा, 2 प्रेस करेंगे तो इवन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे हमें तो नहीं पता नहीं कि हमने कौन कौन से इंटर कर दिए हैं, 10 नंबर अगर हम इसी तरह ज़्यादा वैल्यू इंटर करा रहे हैं या हमारे पास बहुत बड़ी अरे लिस्ट है हमें नहीं पता होगा कि इसके अंदर कितने इवन नंबर हैं कितने ओड नंबर हैं और वो कौन कौन से हैं। इसके लिए उन्होंने सामने ये वाली असाइनमेंट में ये वाला मिनी प्रोजेक्ट दिया है, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट ओड और इवन अरे एंड सॉर्ट इट। कहते हैं कि आपने ये 3 टास्क हैं, आपने एक तो ये राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाया दैट एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट करे इवन और ऑड को, ठीक है, अरे एंड सॉर्ट और उसको सॉर्ट करे। यूज बबल सॉर्ट टेक्निक, बबल सॉर्ट टेक्निक यूज करनी है टू सॉर्ट द गिवन अरे, गिवन जो हमें हमारे पास ग्रे अरे आएगी। उसके बाद तीसरा टास्क क्या है हमारे पास, थर्ड है डिस्प्ले द सॉर्ट अरे, और तीसरा टास्क ये है कि हमारे पास एक अरे सॉर्ट होके आ जाए और वो भी एक तरतीब से, कौन सी तरतीब से, असेंडिंग तरतीब से। और उसके लिए सामने हमें कुछ हिंट दिए हैं
इसलिए हिंट दिए हैं कि हमारी ज़रूरत के लिए, यानी कि हमारी आसानी के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, लिखा हुआ यू कैन यूज थ्री अरे लाइक अरे ओड एंड इवन। ये सने अरे में बताइए, अरे ओड अरे एंड इवन अरे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे सर हमें आउटपुट दिखा रहे हैं कि जो आप लोग काम करोगे उसकी आउटपुट क्या होगी। अगर तुम पहली पिक्चर देखेंगे, टेक यहाँ इनपुट फॉर एरे फ्रॉम यूजर, ठीक है, इंटर 10 एलिमेंट ऑफ द एरे, 1 2 3 नंबर ऐड करा दिए हैं जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और फिर हमसे वो पूछ रहा है आस्क फॉर एन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन क्या है, 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद क्या हमने 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह शॉर्ट होके एरे आ जाए, यानी कि हमने ऑड के लिए प्रेस किया था, हमारे पास ऑड नंबर आ गया 1 5 5 7 9। अगर इवन के लिए करेंगे तो हमारे पास जो नंबर हैं यानी कि 2 4 8 6 एंड 2, ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो डेडलाइन हमारे पास है 2 दिसंबर की, और एक एक्सटेंडेड डे भी हमारे पास होता है, यानी कि इसकी फाइनल जो डेट बनेगी वो होगी 3 दिसंबर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि तो अगर मैं वीडियो में ही कोडिंग करना शुरू कर दूँगा तो हमारा कोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि पहले एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना के फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके अंदर हम मज़ीद फंक्शन करेंगे। अच्छा दोस्तों, हम अब ये देख रहे हैं कि हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका खड़ा कर दिया, यानी कि उसके अंदर हमें जो नीड्स हैं वो हमने यूज़ कर ली हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी समझ है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये हम दो हेडर फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, और सर हमें जो वीडियो में बताते हैं तो वहाँ पे सर यूज़ करते हैं आईओ स्ट्रीम के साथ .h, ठीक है। लेकिन हमें जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो सारे यूज़ कर रहे हैं .iostream.h यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो पुराना सेटअप है तो उसके अंदर भी ये .h यूज़ करने की वजह से वार्निंग देता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को अच्छी तरह याद हो। उसके बाद कौन आयो हम यूज़ करते हैं, कौन आयो इसलिए हम यूज़ करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसको रिमूव कर दें तो फिर भी हमारा मेरे ख्याल में काम चल जाएगा, अगर नहीं चलता तो हम फिर इसको रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD, यूजिंग नेम स्पेस STD क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम कौन आयो यूज़ ना करें या ये वाला यूज़ ना करें यूजिंग नेम स्पेस STD, तो हमें हर प्रिंट जहाँ पे भी कराएंगे यानी कि सी आउट जहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें STD वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम उसको बार बार यूज़ करने से बचने के लिए हम ये वाला नेम स्पेस ऐड करा देते हैं और STD यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद सर ने जैसे हमें बताया था कि आप लोगों ने क्या करनी है, एक मेथड बनाना है, वो मेथड हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर दिया, हमारा ये मेथड कौन सा है, वाइड मेथड है। अगर आप लोगों ने देखना चाहते हैं वाइड मेथड क्या होता है और रिटर्न टाइप मेथड क्या होता है जावा के अंदर और सी शार्प के अंदर, तो आप मेरे जो THK के सॉफ्टून वाली वीडियो चैनल है उसके अंदर टेस्ट फेज़ 1 और टेस्ट फेज़ 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, और उनके अंदर मैंने ये चीज़ें अच्छी तरह से डिस्कस की हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अगर देख लेंगे तो वो जनरल वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो आपको भी फायदा होगा। अच्छा जी दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि हमने, ये तो हमारा मेन है, मेन मेथड है, ठीक है,
और ये उसकी मेन मेथड की बॉडी है। ठीक है, सर ने हमें तीन एरे, हमें सर ने बता दिए थे आपने तीन एरे में, ठीक है, और वो किस किस्म के हैं, इंटीजर टाइप के। हमने शार्ट करने के लिए इंट को हमने पहले रख लिया, बाकी जो है उसी लाइन के अंदर तीनों एरे को हमने डिफाइन कर दिया। एरे को डिफाइन करने का मेथड सी प्लस प्लस में ये होता है, पहले एरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ओपन एंड क्लोज, और उसकी लेंथ जो होगी हम उसके अंदर बताएंगे कि ये वाली एरे हमने बनानी है, कहाँ कितनी बनानी है, 10 की बनानी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक ये भी बता लूँ कि अरे जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे नहीं भाई, ऊपर, ठीक है, और भाई मेरे ये जो होती है जीरो से स्टार्ट होती है, और ये वाली जो हमारी 10 की है जीरो से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 9 तक जाएगी। ये ऐसे बना के दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अरे क्या होती है या वेक्टर अरे क्या होती है। एट और नाइन, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, ये तो हो गई 11। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं इसकी हम छुट्टी कर दें ऐसे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस इस पे, और हम जो है ना आपको बताते हैं कि इनकी जो इंडेक्सिंग कैसे होगी। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसके इंडेक्स नंबर है। जब हम कॉल करेंगे इस एरे को, तो किसी भी इस एरे के एलिमेंट को, तो इंडेक्स नंबर से कॉल करेंगे, यानी कि इस नंबर से कॉल करेंगे, यानी कि 4 कॉल करनी है, 4 नंबर पे इंडेक्स पे जो भी होगा 4 इंडेक्स कॉल करेंगे इस वाले नंबर को। अच्छा जी, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 10 कैसे है, तो हम फिर अपनी नॉर्मल काउंटिंग से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गई 10। अच्छा जी, ये बात भी आप लोगों को समझ होगी आ गई कि हमारी जी अरे कितने की है, 10 इंडेक्स की है। तो मैं इनको ये करता हूँ, ये ख़त्म कर देता हूँ जो नंबर आपने काउंट करने के लिए लगाए थे। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं जिस तरह सामने की है। तो मैं इसके अंदर पहले 9 ऐड कर देता हूँ, यानी कि 0 इंडेक्स पे 9, 1 पे 2, 2 पे 8, 3 पे 12, 4 इंडेक्स पे 18, 5 पे 19, और उसके बाद 21, 23, 3 एंड 6 नंबर। अच्छा जी, ये क्या है कि हमने हर इंडेक्स के अंदर वैल्यू जो है ना इंसर्ट कर दिए। जो काम कैसे होगा मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। मैं आपसे लोगों की गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरी मुकम्मल वीडियो देखें, जो सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को कहीं और से नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल में जब से मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे या बाकी जगह पे, मुझे इस तरह का मटेरियल नहीं मिलता जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल सर्च किया है, और उसके बाद उसको जो सॉर्ट आउट करके और उनमें से काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर बना के आप लोगों के सामने ले आके आया हूँ, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं मैंने वही ऐड की हैं, बाकी उन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया। मेरे ख्याल में आप लोगों को ऐसे कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको पूरा क्विज असाइनमेंट और
पेपर में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ें तो आपने देख ली हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने कितने जो बनाए हैं इंटीजर टाइप एरे के। सामने में 3 हिंट दी थी हमने, वो उसके मुताबिक हमने 3 बना लिए हैं। ठीक, पहले एरे था, उसके बाद ऑड एरे का सामने हिंट दिया था, उसके बाद जो लास्ट पे था वो इवन और था, इवन की एरे थी। उसके बाद सामने हमें ऑप्शन के बारे में बताया था, उसके लिए हमने एक चॉइस वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम 1 और 2 स्टोर करेंगे। अम्मा अम्मा, अच्छा जी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है काउंट की। ये काउंट वेरिएबल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमने ये काउंट करना है कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो कितनी है, 10 टाइम। हमने इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारा जो जो वैल्यू यूज़र से लेनी है वो 10 से ज़्यादा ना हो जाए, उस चीज़ को काउंट करने के लिए हमने ये लिया है। और उसके साथ हमें ये वेरिएबल वहाँ पे भी हेल्प देगा, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब हम बबल सॉल्व लगाएंगे कि इसके इस वाली अरे के अंदर जो इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं और कौन कौन से हैं, वो चीज़ को सॉर्ट करने के लिए भी हमें काउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद वही नॉर्मली रूटीन वाला जो है हमारे पास जो है सी आउट हम प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे मैसेज शो करा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने करना क्या है, इंटर 10 एलिमेंट फॉर द एरे। ठीक, उसके बाद हम एक साफ ज़ाहिर एरे को यूज़ करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे लूप को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपने लूप को अच्छी तरह समझना है तो आप लोग मेरे जो TH के सॉफ्ट लोन वाली वाला चैनल है, ये वाली वीडियो आपको मिलेगी तारिक हफीज़ वाले चैनल पे और CS201 की असाइनमेंट वाली प्लेलिस्ट के अंदर। CS201 की जो असाइनमेंट है उसके अंदर आपको लेक्चर वाइज जो प्रोग्राम है वो भी मिल जाएंगे और ये वाली असाइनमेंट भी तारिक हफीज़ जो चैनल है उसमें मिल जाएगी। अच्छा जी, अब लूप के बारे में अगर देख रहे हैं आप, वहाँ पे TH के सॉफ्ट जोन में 3 प्लेलिस्ट पड़ी हैं। एक जो है टेस्ट फेज 1 के नाम से है, टेस्ट फेज 1 की प्लेलिस्ट है और उसके अंदर जो है जावा C# और PHP। PHP पे अभी मैंने काम नहीं किया, अभी उस पर काम करूँगा, लेकिन C# और जावा पे काम कर चुका हूँ काफ़ी सारा। हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, वो यही वाला है एरे का, लेकिन लूप उसके अंदर पड़ी है। आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो ऊपर है ये है फॉर की क्या है, बॉडी है। मैं ज़रा ये ख़त्म करके, ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद उसके अंदर ही एक हमने डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो है आई, और उसके साथ ही उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 है। और उसके साथ हमने ये बताया कि तुमने चलना कब तक है, यानी कि less than 10, i less than 10, यानी कि उसको कहा कि 10 से नीचे तक चलेगा, क्योंकि पहली बार चलेगी तो वो 0 होगा, जब दूसरी बार चलेगी तब 1 होगा। कैसे वो ऐसे भाई, पहले जब चलेगी तो 0 है, 0 + 0 होगा तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, जब फिर 0 + 1 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 0 + 1 1, 0 प्लस सॉरी 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा, जब 2 हो जाएगा ये वाला 2 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इसी तरह आगे चलता रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये वाला 0 तो आ गया था इस जगह पे, ठीक, और ये ऐड होने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ गया था। अब ये वाला 1 कहाँ पे आ गया है, इस जगह पे आ गया है, और इसके साथ हमारे पास 1 फिर ऐड हो गया, फिर हमारे पास आंसर 2 आ गया, 2 के साथ फिर 1 2 इस जगह पे आ जाएगा इसके साथ, यानी कि जो हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ये स्टोर हो रही है और ये बार बार रिपीट भी हो रही है, यानी कि उसके अंदर
वन का इंक्रीमेंट हो रहा है। वन का इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसको बताया हुआ है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट क्या करना है, वन करना है, इंक्रीमेंट वन करना है। तो वो वाला वन यहाँ पे, ये वाला वन इस जगह पे आ रहा है, ये अगर आपने देखा है तो ये इसी तरह 10 तक चलेगी, 10 टाइम चलेगी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे की बात आपको समझा दूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को असाइनमेंट बना के दे दूँ और मेरे पास व्यू आ जाए और मेरे पास जो है ना मेरा नाम बन जाए। मकसद मेरा ये भी होता है कि आप लोगों को समझाना होता है, आप लोगों को टीच करना होता है, ताकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का पता चले। से ये नहीं है कि आप लोग असाइनमेंट बना के जान सुना, चाहे आपका दिल करे मेरी वीडियो देखने का तो देखें, कंप्लीट देखें, देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि स्टाफ का जो होता है वो पॉइंट काफ़ी लेंथी हो जाता है, जब बाद में की चीज़ें आती हैं वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वाले हिस्से में हमें ज़्यादातर एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी जो मैंने की हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ये चीज़ें नहीं जानते। अच्छा उसके बाद ये तो सी आउट जब हम यूज़ करते हैं, सी आउट किस लिए यूज़ करते हैं, हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं ये वाला। और यहाँ पे जो सी इन लिखा हुआ है, अगर ये गौर करें तो सी आउट का मतलब है, सी का मतलब है सी प्रोग्राम, उसको आउट करो यानी कि उसको प्रिंट कराओ, और सी इन का क्या मतलब है, सी इन का मतलब है सी प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ इंटर करो, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, और ये अगर माइंड में बिठा लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा जी, हम अब वैल्यू लेनी है किस वेरिएबल के लिए, मैं वो सारा ख़त्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोग्राम क्लीन हो जाए। अब हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, कहाँ से लेंगे, इस सी इन की मदद से लेंगे, किस के अंदर, एरे के अंदर। अब एरे के अंदर वैल्यू कैसी आएगी, हमने ऊपर ये जो फॉर लूप लगाई उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो हमने फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि इस वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी इस एरे के अंदर, और इस ये वाली एरे कहाँ चली जाएगी, फिर इसके अंदर वैल्यू आने के बाद सीधा ये उठेगी और इस वाले एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये कहाँ पे स्टोर होगी, जो हमने इंडेक्स बनाई हुई थी, कौन सी इंडेक्स बनाई हुई थी, जीरो इंडेक्स, ठीक है, मेरे ख्याल में उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही करते रहना, मैंने सिर्फ बताना था, मैंने आप लोगों का इतना ही बताना था, आप लोग इसको मज़ीद खुद ही करते रहना, ठीक है जी। और मैं इसको यानी कि ये हमारा जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, बस, और बाकी जो है वो हमारे पास वो जो है शरीफ फालतू है, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी निकाल दूँ। ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर दी। अब हमारे पास जो आ गया है मटेरियल, क्लीन मटेरियल आ गया है, और वो क्या है, ठीक है, जीरो नाइन इंडेक्स तक, यानी कि हमें 10 एरे आ गई है। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये जो पहली वैल्यू लेंगे वो स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 0 पे, कौन सा नंबर हो रहा है स्टोर, हम फर्ज करें इसमें 9 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद टू इंटर करेंगे, टू यानी कि जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो इस जगह पे स्टोर होती जाएगी, ठीक है, जो नंबर एस इंटर करते जाएंगे वन बाई वन वो इसी जगह स्टोर होते जाएंगे, ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं।
है, तो मैं आप लोगों को कोशिश तो कर रहा था कि हर चीज़ आप लोगों को वाजह एक्सप्लेन करके बताऊं, ताकि आप लोगों को ये नहीं कि ये असाइनमेंट आपकी निकल गया, बल्कि आप लोगों के पेपर में एरे का सवाल आता है वो भी आप करने के काबिल हो जाए। ठीक है जी। और इसके अंदर मैं ठीक है, और ये मैंने वैल्यू इसके अंदर इंटर करा दी, और दूसरी तीसरी चौथी जो भी वैल्यू आती जाएंगी इसी तरह इसके अंदर स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, कब तक? 10 तक। अभी हमारे पास ये ओड और इवन, चॉइस और काउंट अभी हमारे पास यूज़ नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ जो है इसको लूप की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कब तक उसे कहा है कि लूप को चलने हैं? 10 तक चलने हैं, लेस देन 10 तक। ये चीज़ें आप देखें, अगर उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, नीचे क्या चीज़ है? ये वाला, ये है सिस्टम पॉट। अगर आपको याद हो सामने लेक्चर में, मेरे को तीसरे के चौथे लेक्चर में हमें सामने बताया था कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो फ़ौरन जो होता है गायब हो जाता है, इनके चलने के बाद ऑफ हो जाता है, स्क्रीन बंद हो जाती है, जो हमें नज़र नहीं आता हुआ क्या है। उस चीज़ को रोकने के लिए ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिससे फंक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो जो कुछ भी हुआ होता है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, यानी कि रीड की का काम ये करता है। अगर हम इसमें काम करेंगे क्या नाम है, सी शार्प में, तो वहाँ पे रीड की का बटन कमांड मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम सिस्टम पॉज का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और आगे हमारा प्रोग्राम भागता हुआ जाएगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे ख्याल में हर चीज़ मैंने बता दी है, बस आप लोगों को जस्ट थोड़ा समय आपको मेथड हिंट देता जाऊँगा और कोडिंग आपको दिखाता जाऊँगा। अच्छा, ये दोस्तों ये तीन लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, और इसमें क्या हमने करना है और इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे दूँगा। हमने यहाँ पे दो मैसेज पास कराएंगे, कब कराएंगे? जब हम अपने एरे के अंदर 10 वैल्यू ले लेंगे। कैसे लेंगे, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस बार दिखाऊंगा, हर बार करके नहीं दिखाऊंगा, और फिर एंड पे मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि रन होने पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हमारी वीडियो के अंदर वो बार बार काउंट होगा, रिपीट होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह हमारे पास ये काम होगा, क्योंकि हम ये वाला मैसेज आप देख रहे हैं ये आ गया। अब हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से वो 10 नंबर ऐड कराएंगे, जो कोई भी हो सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 हमने इसके अंदर नंबर ऐड करा दिए। और अब हमारे पास ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि चॉइस हमसे मांग रहा है कि चॉइस क्या है। हमने अभी तक चॉइस नहीं ली, यानी कि वन और टू प्रेस नहीं किया। और इसी तरह ये वाला मैसेज, जैसे ये ऊपर वाला प्रिंट कराया था, ऊपर वाला मैसेज प्रिंट कराया था, इसी तरह ये भी प्रिंट हो रहा है। मैं जो है ना इसको फॉन्ट भी बड़ा कर दूंगा, जब नेक्स्ट में आएगा तो आप लोग ये देख सकें, इजीली देख सकेंगे। और नीचे ये मैसेज भी इसी तरह का है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे आपसे। अच्छा जी, अब हमने चॉइस वन यानी कि ऑप्शन नंबर वन को सेट कर लिया, तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ ये, और यहाँ से लेके हमारा इस जगह तक क्या है, चॉइस वन है। ठीक है, अगर इसको देखें, इफ ये हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं, इफ अगर वन आ जाए, चॉइस वन के बराबर हो, तो हमारे पास ये वाला मेथड हमारा रन हो जाए। सॉरी, इसके अंदर ये मेथड भी आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर हमारे पास मेथड वन आ जाए, यानी कि चॉइस वन आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम फिर लूप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वाली लूप यूज़ कर रहे हैं, एरे को। ठीक है, ये वही फॉर लूप
एलेवन जिस तरह बनाई थी उसी तरह है। उसके बाद हम उसके अंदर उस फॉर लूप के अंदर यानी कि एफ के अंदर हमने नेस्टेड जो रखा हुआ है, एफ के अंदर जो नेस्टेड लूप है वो एरे की है, ठीक है, यहाँ तक है उसका स्कोप। और उस फॉर के अंदर हमने एक और फिर एफ लगाई हुई है। अब ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता, ठीक है। तो मैं इसको पहले फ्रेम की शक्ल में ले आता हूँ और ब्लू ले आता हूँ, ये वाला हमारा, तो क्योंकि मुझे बार बार वो करना पड़ रहा है ना, तो मुझे भी मुश्किल हो रही है हर बार एक्सप्लेन करता हूँ ये, ठीक है। जब हमारे पास हम प्रेस करेंगे वन तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला एरिया एक्टिव हो जाएगा, बाकी एरिया डीएक्टिव हो जाएगा यानी कि वो काम करना ही रहेगा। जब चेस हमारे पास आएगी तो इफ की बॉडी के अंदर हमने फॉर लूप लेने के लगाई हुई है, किस चीज़ के लिए, एरे को कंट्रोल करने के लिए। कौन सी एरे को, जो हमारे पास एरे नेम से एरे बनी हुई है, फर्स्ट एरे जो, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं कंडीशनल लॉजिकल कंडीशनल के अंदर यानी कि इफ के अंदर। अगर आप लोगों ने इफ एल्स को अच्छी तरह समझना है तो आप लोग मेरी जो वीडियो पढ़ी है टीएच के साथ जोन में, टेस्ट वीडियो टेस्ट फेज वन और वीडियो टेस्ट फेज टू के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियो टेस्ट फेज वन के अंदर लॉजिकल कंडीशन पे मैंने एक्सप्लेन के लिए अलहदा वीडियो बनाई हुई है, कोड प्रैक्टिस के लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो सी शार्प जावा की प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और पी एच पी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में आप देख सकेंगे जो पीएचपी में इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो अब इस पे आते हैं वापस, ये हमारी उसके अंदर लूप आ जाएगी ऐसे। यार गलत कर गया था, ये हमारा स्कोप है मेन, उसके बाद हमारा ये है लूप का स्कोप, फार का सॉरी फार लूप जो है हमारी है। और फॉर लूप को आपने देख लिया था, कंडीशनल इफ की बात भी हमने कर ली थी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एरे के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी होगी उसको उसे कहा है कि मॉडुलस ले टू के साथ, यानी कि अगर उसका रिमाइंडर एक के बराबर आ जाए तो वो तो फिर है क्या है, ऑड है। जिसका रिमाइंडर वन आ जाए, वन के बराबर आ जाए, वो क्या है, ऑड है। उसको कहाँ पे कर, वो इस वाली एरे के अंदर स्टोर कर, और वहाँ पे हमने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ काउंट का, और उसे कहा कि उसे काउंट भी कर, और उसको उसको कॉपी कर, कहाँ पे, कहाँ से, एरे से कॉपी कर, और कौन से एरे में लेके आ, ऑड एरे के अंदर, ठीक है। कहाँ से आएगी, आगे उसको इक्वल करा दिया एरे आई से, एरे से। और एरे आई कौन सी है, वो इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो वाली है, मैं पेंसिल से कर देता हूँ इस वाली। कौन सी वाली भाई की बात सुनना, ये दिखाओ ना मुझे कौन सी है, ये नहीं है, एक मिनट, ये बैग उठाना इधर आओ, ये बैग तो उठाओ ये बैग उठा रहा है इसको, इसके देख, हाँ आया, आ रहा हूँ ये वाली तो इसकी है ना, या ये पड़ी है। अच्छा जी, वो क्या है, वो उसको रिमाइंडर ले रहा है, रिमाइंडर उसका वन आ रहा है तो उसको कॉपी करके इस ओड वाली एरे के अंदर स्टोर कर रहा है। और कहाँ से उस ये वैल्यू आ रही है, इसमें से, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कॉपी करने के लिए। उसके बाद ये नीचे जो आ रहा है काउंट प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है कि जब एक बार चली तो वहाँ पे आ जाएगा वन, और यहाँ पे उसको क्या करेगा, उसके अंदर एड वन कर देगा। पहले तो उसके अंदर वैल्यू नहीं थी ना, जब वो चलेगी तो उसके अंदर वन आ जाएगा, जब दोबारा चलेगी तो वन प्लस वन हो जाएगा, फिर इसी तरह बार बार चलने के लिए, तो इसको ये काउंट करेगा। इसके बाद हमने एक मेथड बनाया है, वो है बबल सॉर्ट का,
ये वाला मेथड अगर आप लोगों ने, अब ये क्या कर रहा है बबल साठ साम इसके, सॉरी मैं इसको भी बता देता हूँ, ये इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बबल सॉर्ट क्या है, एक मेथड है और उसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेथड को समझना है तो मेरी वीडियो टेस्ट फेज वन वाली वीडियोस के अंदर मेथड यानी कि फंक्शन के बारे में वीडियो बनी हुई है दो, जिसके अंदर पासिंग वैल्यू, पासिंग पैरामीटर, रिटर्न टाइप, वाइड, उन सब को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मेथड हम डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास करा दिए हैं, ओड एंड काउंट, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे पड़े हैं, अगर आपने नहीं देखे तो मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे देखें तो हमने डिक्लेयर किया था इंट एरे इंट सी, ये वाले। उसके बाद हमने ये, और हमारे पास ये पड़ा है, और हमारे पास और क्या है, काउंट हमारे पास ये पड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद हम इस पे मज़ीद बात कर रहे थे, ये दो हमने वहाँ पे वो स्ट्रिंग पास कराई हैं, इसलिए ताकि हमें पता चले कि जो इसके अंदर ऑड नंबर आ रहे हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ काउंट, अगर उसमें थ्री होंगे तो थ्री यहाँ पे थ्री आ जाएगा इस लाइन के सामने, अगर उसके सामने जो थ्री जो थे जो कौन कौन से थे वो इस लाइन में आ जाएंगे। और उसके बाद फॉर आई ज़ीरो, फिर हमने एक लूप लगाई है, लूप किस लिए लगाई है, उसको काउंट करने के लिए, यानी कि वो जो नंबर हमारे पास कितने हैं वन टू थ्री, उसको प्रिंट भी तो कराना है, वो हम इस जगह पे प्रिंट करा रहे हैं। और ये वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारे पास इस जगह से आ रही है, ठीक है, इस वाली जगह से ये वैल्यू आ रही है इस जगह पे, तो ऐसे मेरे भाई, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे हमारा मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो 5 मिनट का होगा। चॉइस वन हमने कंप्लीट कर ली है, और मैं क्या करूँगा, अब अपनी चॉइस टू की कोडिंग इसमें लगा। दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों ने मेरी वीडियो को बार बार पॉज करके साथ साथ अपनी अपनी कोडिंग भी करते जाना है। वेरिएबल नेम अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, मैंने यहाँ पे चॉइस और जिस तरह नेम लिखे हुए हैं आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं। अब हमारी ऑप्शन नंबर वन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ऑप्शन नंबर टू के अंदर भी वही चीज़ थी, उसमें थोड़ा सा चेंज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें जो चेंज है कि जब हमारे पास एरे के अंदर रिमाइंडर लेने के लिए टू के साथ करेंगे मॉडुलस लेने के लिए, तो अगर हमारे पास ज़ीरो आएगा तो वो इवन में जाएगी, और वन आएगा तो ऑड में जाएगी। ये चेंज आपको बताना था, बाकी सेम वही है। और यहाँ पे मैंने टी यूज़ किया, टी मैंने क्यों यूज़ किया, मैंने टैब के लिए, यानी कि 5-6 स्पेस आगे एक साथ ही हो जाए, 5-6 स्पेस एक साथ ही आगे हो जाए। उसके बाद हमारा लास्ट जो पड़ा है वो है हमारा बबल सॉर्ट का मेथड, और ये मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था लेकिन डिफाइन नहीं किया था। अब मैं आप लोगों को ये डिक्लेयर करके बताता हूँ, ये वाला जो मेथड है ये कैसे काम कर रहा है, मैं आपको ये 2 मिनट में बता दूंगा, सॉरी, और कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि तो मैंने जाने है, अम्मी बुला रही है। ये तो मेथड की बॉडी है, मेथड का सिग्नेचर है, ठीक है, मेथड का सिग्नेचर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग इसके बारे में रीड कर सकते हैं, अगर मेरी वीडियोस देखना चाहें तो मेथड वाली, मेथड की 2 वीडियो हैं वो देख सकते हैं, इंशाल्लाह वो देखने से आप लोगों के मेथड डिक्लेयर करना आसान हो जाएगा, वो वैसे सी शार्प और जावा के अंदर। अच्छा जी, ये उसका सिग्नेचर आ गया। नीचे जो है उसकी बॉडी शरीफ है, बॉडी के लिए मैं सी एल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हमने टेम्परेरी का, कौन सा टेम्प का, उसके बाद
वही फॉर लूप हमने जो पहले ऊपर यूज कर रहे हैं वो बनाई है, और इस जगह पे नेस्टेड एक फॉर लूप हमने फिर यूज किया है, और उसके बाद फिर हमने इफ एल्स यूज किया है। ये सारे काम नेस्टेड हो रहे हैं। अब ये देखें कि पहले मेन लूप है ये वाली, इसके बाद ये वाली उसकी नेस्टेड लूप है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कंडीशनल लॉजिक यहाँ पे अप्लाई की हुई है। आप लोगों के साथ मैंने ये सारी बातें हर स्टेप बाई करके समझाई है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये वीडियो देख लोगे। तो सिर्फ आप ये वाली असाइनमेंट नहीं बना सकते, और भी बहुत काम कर सकते हैं इनके। आपकी प्रोग्रामिंग भी इजी हो जाएगी, लॉजिक आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको कहा है कि पहले तो ये चलनी कब तक है, सी तक, ठीक है। आई लेस देन सी, सी से कम रहे। सी क्या है, सी के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पे है, हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये हमारे पास एरे है, यहाँ पे एक और एरे हमने बनाई है, इंटीजर टाइप की एरे है, और इसमें वैल्यू पास करा है। ये आपने ऊपर भी देख चुके हैं जो हमने स्टार्ट में डिक्लेयर की थी। उसके बाद ये इफ एल्स है। अब ये वाली एरे जो है, ये वाली एरे है। अब मैं आपको और कलर रेड, ये वाली है, ठीक है। और जो दूसरी है वो सॉरी, और ये जो पड़ी है दूसरी, ये वाली फॉर लूप, पहले एरे हमने ली है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इस एरे के अंदर इंक्रीमेंट किया गया है 1 का, और 1 का इंक्रीमेंट कहाँ से किया है, और ये वाली जो हमारी नेस्टेड लूप है उसको लेके आए हैं, और इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है, इसका हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब वो मैं आपको बताऊँ। कहते हैं जे के अंदर जो वैल्यू है उस क्या है, वो ग्रेटर देन है किस से, एरे कौन सी, यही वाली एरे, इसके अंदर एक को इंक्रीमेंट कर देना है। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इन कंडीशन यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी हमारे पास जो वेरिएबल बना हुआ था ये वाला, वो हम यूज़ कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद एरे, ये वाली एरे जो है इसके अंदर कौन से कॉल करा रहे हैं, नेस्टेड लूप को कॉल करा रहे हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप कौन सी है, ये वाली नेस्टेड लूप हमारे पास, ये मैं इधर से हटा देता हूँ क्योंकि फिर जो ना कन्फ्यूज़ होगी। उसके बाद क्या है, इसको इक्वल कर रहे हैं यानी कि कंपेयर भी कर रहे हैं, और वैल्यू असाइन कराने के लिए, कहाँ से कॉपी करने के लिए, इस वाले इंडेक्स से, इस वाली लूप के इंडेक्स से, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर, जे के अंदर एरे, और जे के इंडेक्स पे वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और नीचे भी फिर वही काम हो रहा है, जो टेम्प में वैल्यू आ रही है वो असाइन करा रही हैं J+1 के अंदर। ये जब बार बार काम होगा तो इसी तरह चलेगा। अब हम इसको लास्ट टाइम रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसका फॉन्ट साइज भी कलर भी चेंज कर दिया था, और मेरी अब ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट मैं इसे देख लेता हूँ, देख के फिर आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने मिस कर दी थी एक कैलिब्रेशन, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं दोबारा, और इसमें फिर 10 नंबर इंटर करा के देखेंगे। और ये सेकंड लास्ट था ये। अब हमने इसके अंदर 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटर करा दिए। अब हमसे चॉइस पूछ रहा है, 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस किया, नीचे उसका रिजल्ट आ गया। तो मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को सोशल नेटवर्क पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आप लोग सिर्फ असाइनमेंट बनाने के काबिल ना हो जाए, आप लोगों को असाइनमेंट का भी पता हो, और नेक्स्ट टाइम कोई असाइनमेंट आ जाए या कोई आपसे डिस्कस करे तो आप उससे डिस्कस करने के काबिल हो सके। तो
तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।